Next question on synchronous counter, it is gate 2011 question. Actually अभी तक जितने भी काउंटर्स हमने पढ़े उसमें फ्लिप फ्लॉप्स वर्टिकली अरेंज थे, यहां पर अब आपके फ्लिप फ्लॉप सॉरी हॉरिजॉन्टली अरेंज थे, अब वर्टिकल हो गए, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है, आपको जैसे सॉल्व करना था क्वेश्चन उसी वे में सॉल्व करना है। नाउ इस पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। गेट 2011 में इस डायग्राम पे दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। एट सम इंस्टेंस प्रायर टू द अकरेंस ऑफ क्लॉक एज पी क्यू आर हैव वैल्यू 0 1 0 रेस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर आफ्टर क्लॉक। क्लॉक से पहले ये वैल्यू थी, क्लॉक के बाद उसने पूछा है, मतलब एक क्लॉक का जिक्र हुआ है। नाउ उसके लिए आपको पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इफ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स वर्स रीसेट टू 0 एट पावर ऑन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आउटपुट और स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर जनरेटेड बाय द काउंटर। अब सुनना, पहले आप हम लोग इसको वापस से वे लें, पी क्यू आर, तो पी अपना क्या हो गया है, एम एस बी अपन ले लेते हैं, दैट इज पी क्यू और आर, पी नेक्स क्यू नेक्स और आर नेक्स। नाउ अब हम लोग इसका वापस से सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग कर रहे थे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 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
डी फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप, सिंक्रोनस काउंटर है सबको एक साथ क्लॉक मिली, पी का आउटपुट डी, डी का इनपुट क्या है आर, जो आर है वो डी पी का जो फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप उसका इनपुट है, तो आफ्टर वन क्लॉक आपको एज इट इज मिल जाएगा, तो आर ही आपका क्या बन जाएगा पी, तो व्हाट इज आर 0101 0101. क्लियर. नेक्स्ट, इट इज ए नॉर गेट ऑफ क्यू. नॉर किसका, एक तो पी का और एक आर का, मतलब पी और आर इन दोनों का नॉर. नॉर वन कब देता है, नॉर वन सिर्फ एक केस में देता है जब वो दोनों जीरो होते हैं. क्लियर है, जब दोनों वो जीरो होते हैं तब वो क्या देता है वन, बाकी सारे केसेस में नॉर क्या देता है जीरो. तो जीरो जीरो पे ये देगा वन, जीरो जीरो पे ये देगा वन, और बाकी सारे केसेस में ये क्या देगा जीरो. तो जीरो 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 जीरो, दैट इज द नो. नाउ अब आता है आर. आर क्या है, आर है आर खुद का क्यू बार और क्यू का, सॉरी आर खुद का बार और क्यू का बार. मतलब बहुत ध्यान से देखना, अगर आर जीरो है तो क्यू बार वन है, और क्यू वन है, ये वाला क्यू वन है, और आर जीरो है, क्यू वन आर जीरो पे मैं वन दूंगा, क्यू वन आर जीरो एक, क्यू वन आर जीरो दो, क्यू वन आर जीरो, क्यू वन आर जीरो, इन दे केसेस में ये वन देगा, वन और वन, बाकी सारे केसेस में एंड गेट क्या देता है जीरो, जीरो 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 जीरो. क्लियर. नाउ
फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप स्टेट बनाना चाहते हैं अपन बना देते हैं 000 से 010 010 से 011 011 से 100 और 100 से 009। अब सुनना, अपने बाकी के बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन क्या है, अगर इनिशियल स्टेट 010 है तो एक क्लॉक के बाद उसकी स्थिति क्या होगी, दैट इज क्यू, इट इज पी क्यू और आर। अगर इनिशियल पी क्यू आर 010 है तो एक क्लॉक के बाद 011, आंसर इज डी। नाउ वो अगर इनिशियली स्टेट सब 000 है तो कितने यूनिक या डिस्टिंक्ट आउटपुट स्टेट्स हैं, 4, और वही का मॉड्यूलस है। बस समझ में आई, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, बाकी की रिमेनिंग स्टेट्स हमें कोई लेना देना नहीं है। नाउ अब सुनना, अरेंजमेंट काउंटर्स में फ्लिप फ्लॉप का कैसा भी हो, टफनेस एक लेवल पे ही रहती है। डायग्राम देखकर डरने की जरूरत नहीं है। एक और आपसे जो मेरा सजेशन है वो ये कि अगर ये क्वेश्चन 1 ही होता तो मैं ये टेबल की कॉम्प्लेक्सिटी ना करता, तब आप सिर्फ क्या करते, पी क्यू आर की वैल्यू लेते और एक क्लॉक के बाद वापस पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर देते। क्लियर है? ये मैंने सेकेंड क्वेश्चन के लिए किया, और हमको पता अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो ये काम करने में मुझको हार्डली 1 या 1.5 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, इज देयर एनी डाउट?